200 लोगों ने लगातार शायद 2008 में पैदल यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा की। 1989 में था कि आपने एक ट्रक झाड़ू उस यूनियन कार्बाइड को भिजवाई थी, प्रतीकात्मक आपका विरोध था। ये सब कैसे कर पाई आप दोनों, इसके बारे में बताएं। झाड़ू मारो डाव का मतलब था हमारा कि हिंदुस्तान की महिलाएं सफाई के लिए झाड़ू उठाती हैं और जब गुस्से में आती हैं तो मारने के लिए भी झाड़ू उठाती हैं। तो डाव कंपनी के खिलाफ हमारी झाड़ू उठ चुकी है। अगर भोपाल के मिट्टी पानी की सफाई नहीं होती है तो हम उसका दुनिया में कहीं बिजनेस नहीं चलने देंगे। इस झाड़ू से उसकी बिजनेस की सफाई हम कर देंगे। पूरी दुनिया की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। इस बात को लेकर हमने अफ्रीका में ये झाड़ू उठाई थी और जब भोपाल आए तो हमने घर घर से पुरानी झाड़ू ली थी और 5000 झाड़ू इकट्ठी करके और गाड़ी में लेके हम लोग जब बॉम्बे डाव कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था मिलने का और उसमें जहरीली मिट्टी यहाँ की लेके गए थे, पानी लेके गए थे और झाड़ू लेके गए थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया कि हमने 10 मिनट आपसे बात की, हमारा 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो वो आपकी भरपाई करें। और हाईकोर्ट में उन्होंने केस लगा दिया। एक बार हम लोग 300 महिलाएं लाल रंग लेके पहुंचे थे वहां पे कि ये भोपाल का खून है, भोपाल के अगर आपने 2001 6 फरवरी को उन्होंने मर्डर किया यूनियन कार्बाइड से, 28 फरवरी को हम लोग पहुंचे थे और हमने कहा था अगर आपने डाव यूनियन कार्बाइड का मर्डर किया है तो भोपाल की जिम्मेदारी आपको लेना है और कम से कम 3 पीढ़ियों तक भोपाल के बच्चों का जिम्मेदारी आप लें। तो उन्होंने हमारे ऊपर जुर्माना 72,000 रुपये का लगाया था। हमने कहा 72,000 नहीं, हम 72 साल जिंदगी के पूरे आपको भोपाल के देंगे अगर हमारा एक आदमी आप जिस गैस कांड में मरे हुए को लौटा दें या जो विकलांग पैदा हो रहा उनको रोक दें तो हम आपका पूरी जिंदगी की कमाई आपको देंगे। हम लोग भूखे रहेंगे, हम आप कुछ नहीं खाएंगे। तो केस आज भी चल रहा है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना डाव ने कोई जिम्मेदारी ली है।